हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.3 का क्लास 6 का। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, देखिए। विच इज शोइंग द स्केल ऑफ सेल ऑफ शर्ट्स इन द रेडीमेड शॉप। जो कि यहाँ पे बार ग्राफ में देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है रेडीमेड, जो रेडीमेड कपड़ा होता है उसका सेल दिखा रहा है, मतलब कितना कौन से दिन में सेल हुआ, मतलब बिका। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से सैटरडे कितना शर्ट सेल हुआ वो दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मंडे इतना तक सेल हुआ, यहाँ पे दिया है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, मतलब 1 यूनिट लेंथ ये क्या है, 5 5 5 के गैप में है। तो यहाँ पे 5 5 5 के गैप में है, तो मंडे को कितना सेल हो रहा है, 15 शर्ट हो रहा है। ट्यूसडे को कितना हो रहा है, 10 शर्ट हो रहा है। वेंसडे को कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। थर्सडे को कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। फ्राइडे को कितना हो रहा है, 50 हो रहा है। सैटरडे को कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो यहां से इस बार ग्राफ से क्या पता चलता है, कौन से दिन में कौन सा शर्ट मतलब कौन से दिन में कितना शर्ट सेल हो रहा है। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स में जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ बार ग्राफ गिव, मतलब क्या इंफॉर्मेशन आपको इस ग्राफ से मिलता है, बार ग्राफ से मिलता है। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, आप अपने बुक में एक बार ग्राफ खोल कर देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, कितने नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड हुए हैं कितने डेज में, ये पता चल रहा है यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन यही हुआ कि नंबर ऑफ शर्ट कितना सोल्ड हो रहा है कितना दिन में, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है द नंबर ऑफ शर्ट, द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। फ्रॉम मने फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक कितना नंबर ऑफ शर्ट बिक रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखना है द इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस ग्राफ इज नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। हमेशा याद रखिए, जब इंफॉर्मेशन जब पूछा जाता है तब यहाँ पे देखिएगा क्या दिया, नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, तो यहाँ पे यही लिखिएगा नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड कब से कब तक, मंडे टू सैटरडे, तो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पता चल गया होगा। आंसर होगा द इंफॉर्मेशन वी गेट इज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो आई होप आपको समझ आया होगा ए सेकेंड का फर्स्ट बिट। अब हम करेंगे सेकेंड का सेकेंड बिट। तो सेकेंड में दिया है, व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट। तो व्हाट इज द स्केल चूजन ऑन हॉरिजेंटल लाइन, मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन में है उसका कौन सा स्केल यूज किया गया टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शर्ट, शर्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कौन सा लाइन चूज, कौन सा स्केल चूज किया गया वो लिखना है। तो स्केल मतलब होता है ये वाला, जो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट दिया गया है, मतलब 1 यूनिट यहाँ पे 5 5 यूनिट का गैप में है। तो स्केल मतलब क्या होता है, कौन सा स्केल चूज किया गया है, तो ये वाला आंसर होगा। स्केल मतलब आपको जो यहाँ पे गिवन होता है वो होता है स्केल। तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट इज द स्केल। तो ये वाला हमेशा याद रखे, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं स्केल, मतलब स्केल मतलब कितने रेंज में है, ये वाला जो भी होता है ये होता है स्केल, हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये वाला क्या है, स्केल है, तो हमेशा ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा यहाँ का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द स्केल दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट, ये क्या होगा, स्केल होगा, ये हमेशा याद रखिए, ये स्केल होता है। तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट इज द स्केल चूजन ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ शर्ट। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ये बहुत बेसिक है, ये वाला बहुत सिंपल चीज है, ये वाला बहुत, अगर आप अच्छे से समझ जाए तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे।
उसके बाद सी में दिया है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर मतलब मैक्सिमम होता है ज्यादा, हमेशा याद रखिए मैक्सिमम मतलब होता है ज्यादा। ऑन विच डे द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब कौन से दिन में मैक्सिमम नंबर मतलब ज्यादा शर्ट सोल्ड हुआ है, मतलब कौन से दिन में ज्यादा शर्ट बेचा गया है। हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, और कितना बेचा गया है, कितना इसमें पूछा है, फर्स्ट पूछा है कितना ज्यादा बेचा गया है और कितना बेचा, कौन से दिन में ज्यादा बेचा गया और कितना बेचा गया ज्यादा। तो आप ग्राफ की तरफ देखिए, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में देखिए कितना, किसमें ज्यादा ग्राफ किसका, किसमें ज्यादा बेचा गया शर्ट, तो यहाँ पे देखिए ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 35 है, ये 50 है, ये वाला 50 है, यहाँ पे देखिए ऐसे मैं दिखा देती हूँ, ये 50 है, ये कितना है 60 है, ये वाला लाइन 60 है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से दिन बेचा गया, सैटरडे, और कितना बेचा गया है वो कैसे पता चलेगा, ये ग्राफ्स के लाइन से। तो ये वाला कितना बेचा गया है, ये वाला 60 बेचा गया, देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है यहाँ पे देखिए 60 बेचा गया। तो ज्यादा शर्ट कौन से दिन में बिका है, सोल्ड हुआ है, सैटरडे, और कितना 60, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन विच डे को काट के ऑन सैटरडे, सैटरडे बेचा गया है सबसे ज्यादा, ऑन सैटरडे मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। तो यहाँ पे सैटरडे हो गया मैक्सिमम नंबर, और पूछा गया है कितना ज्यादा, तो यहाँ पे हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, कितना शर्ट बेचा गया था 60, तो 60 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे। आई होप आपको सी समझ आया होगा। अब हम करेंगे डी का। डी में क्या दिया है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब कौन से दिन में, विच डे मतलब कौन सा दिन, कौन से दिन में मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुआ है। मिनिमम मतलब मैंने आपको बताया था, मिनिमम मतलब होता है कम, हमेशा याद रखें, मैक्सिमम मतलब ज्यादा, मिनिमम मतलब कम, मिनी मिनी माने छोटा मतलब कम। तो ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, मतलब कौन से दिन शर्ट कम बिका है, सोल्ड कम हुआ है। तो हम फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ में सबसे छोटा कहाँ पे है, ये वाला सबसे छोटा है, तो कौन सा, ट्यूसडे को सबसे कम बिका है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला सबसे छोटा है, यहाँ से आपको नापना है, ये यहाँ पे 10 में आई है 15, तो सबसे छोटा क्या है, 10 में जो होगा वो छोटा होगा, तो कौन से दिन सबसे कम ये सोल्ड हुआ है शर्ट, ट्यूसडे हुआ है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन विच डे को काट के, विच डे को काट के यहाँ लिखेंगे कौन से दिन में सबसे कम हुआ था, वो हमने ग्राफ में देखा था कौन से दिन में कम हुआ था, वो ट्यूसडे हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। आई होप आपको डी समझ आया होगा। अब हम करेंगे ई, हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे, तो थर्सडे कितना शर्ट सोल्ड हुआ है, कितना शर्ट बिका है। तो थर्सडे कहाँ पे, यहाँ पे थर्सडे यहाँ पे है, तो वो कितना बिका है, यहाँ पे देखिए ये लाइन है, तो कितना है 35, तो कितना शर्ट बिका टोटल थर्सडे को 35, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 35 शर्ट्स बिका है, तो हाउ मेनी मतलब कितना, हमेशा याद रखें विच मतलब होता है कौन सा, हाउ मेनी मतलब होता है कितना, तो 30 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी और भी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।